प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस की तुलना सर्कस से की है। उन्होंने कहा, कांग्रेस में कार्यकर्ता कोई बचा ही नहीं है, जितने थे सब पदाधिकारी हैं। कांग्रेस कहीं माँ बेटे की पार्टी तो कहीं पिता पुत्र की पार्टी बन गई है। मुख्यमंत्री शिवराज ने कांग्रेस पर गरजते हुए कहा कि जम्बो कार्यकारिणी कांग्रेस कार्यकारिणी नहीं है, सर्कस है। कार्यकर्ता कोई बचा ही नहीं, जितने थे सब पदाधिकारी बना दो। इसके बाद भी कांग्रेस का कहना है कि यह अंतिम नहीं है, अभी और भी है। चौहान ने कहा, यह बहुत ही अद्भुत पार्टी है, 150 महामंत्री बना दो और 150 क्या, अभी वो 550 भी कर देंगे। जो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी है उसमें तो पिता के साथ पुत्र भी शामिल है। कहीं माँ बेटे की पार्टी है और कहीं पिता पुत्र की पार्टी, यह कांग्रेस की नीति हो गई है। कार्यकर्ता कौन है, केवल तुष्टिकरण चल रहा है। कार्यकारिणी थोड़ी सर्कस है, कार्यकर्ता कोई बचे ही नहीं, जितने थे सब पदाधिकारी बना दो। और आपने देखा होगा इसके बाद भी कहा कि अंतिम नहीं है, अभी और है, अभी अद्भुत पार्टी है। 150 महामंत्री बना दो, अभी 150 के 550 भी कर देंगे। और जो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी है उसमें तो पिता के साथ पुत्र भी शामिल है, कहीं माँ बेटा की पार्टी और कहीं पिता पुत्र की पार्टी। ये कांग्रेस की नियति हो गई है। कार्यकर्ता कौन है, केवल तुष्टिकरण चल रहा है। कमलनाथ जी रोज एक नया वादा कर देते हैं। मैंने कल भी कहा था कि पुराना वचन पत्र पूरा किया नहीं और अब जो चाहो वो लिख दो, लेना देना तो है नहीं, लेकिन जनता भुलावे में नहीं आने वाली। कमलनाथ ये सोच रहे होंगे कि झूठे वादे करके फिर सत्ता में आ जाएं तो प्रदेश की जनता उनको अब प्रदेश को लूटने का मौका नहीं देने वाली। शिवराज ने कहा, कमलनाथ रोज एक नया वादा कर देते हैं। मैंने इससे पहले भी कहा था, पुराना वचन पत्र पूरा नहीं किया और अब जो चाहे वह लिख दो, लेना देना तो है नहीं, लेकिन जनता भुलावे में नहीं आने वाली। चौहान ने कहा, कमलनाथ यह सोचते होंगे कि झूठे वादे करके फिर सत्ता में आ जाएंगे तो प्रदेश की जनता अब उनको लूटने का मौका नहीं देने वाली। वहीं उन्होंने आरएसएस को मिटाने वाले बयान को लेकर कहा कि कांतेलाल जी कई लोग चले गए जो कब से यह कह रहे थे, अब तुम क्या संघ का बिगाड़ोगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देशभक्तों का संगठन है। आरएसएस व्यक्ति निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी, देश के लिए जीने और मरने वाले लाखों स्वयंसेवक तैयार हो गए हैं। सीएम ने कहा, लेकिन मुझे कांग्रेसियों की कुंठा समझ में नहीं आती, देख लेंगे, ए कर्मचारियों अधिकारियों निपटा देंगे, मिटा देंगे, ऐसे लोगों को जनता भी निपटा देगी। जिनको वह देख लेने की धमकी दे रहे हैं, आखिर वह भी इंसान है, उनका भी सम्मान है। कांतिलाल जी कई लोग चले गए, कब से ये कह रहे हैं लोग, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देशभक्तों का संगठन है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व्यक्ति निर्माण की ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ हुई कि देश के लिए जीने और मरने वाले लाखों लाख स्वयंसेवक तैयार हो गए, अब तुम क्या संघ का बिगाड़ोगे। लेकिन मुझे कांग्रेसियों की ये कुंठा समझ में नहीं आ रही, देख लेंगे, एक कर्मचारियों अधिकारियों निपटा देंगे, मिटा देंगे, देख लेंगे, ऐसे लोगों को जनता भी निपटाएगी। और जिनको वो देख लेने की धमकी दे रहे हैं, आखिर वो भी इंसान है, उनका भी मान और सम्मान है, उनका अपमान नहीं किया जाना चाहिए। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।